नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा हरियाली तीज कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, अर्थात किसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सावन मास शुरू हो चुका है, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है। भगवान शिव तो थोड़ी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर हो पूर्ण श्रद्धा से की हुई पूजा। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज कहते हैं, जो कि 2019 में 3 अगस्त शनिवार की है। दोस्तों, इस दिन माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। माँ पार्वती को हरे रंग के वस्त्र पहनाएं और हरे रंग की चूड़ियां पहनाएं। माँ को बिछुए जरूर पहनाएं। इस दिन विवाहित और कुंवारी लड़कियों को व्रत भी जरूर करना चाहिए। इस व्रत में एक बार शाम को फलाहार लेना चाहिए। व्रत करके माँ पार्वती को जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, माँ को श्रृंगार की पूरण सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से स्त्रियों का सुहाग बना रहता है। फिर माँ को आरती करें, फिर माँ की आरती करें और फलों का और बर्फी का भोग लगाएं। कुंवारी लड़कियों को ऐसा करने से मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों को भी हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हरे रंग की चूड़ियां ही पहननी चाहिए। इस दिन सभी को छोटे बड़ों को पिंक पर झूले जरूर लेने चाहिए। शिव पुराण में भी हरियाली तीज को पिंक पर झूला लेने की महत्ता बताई गई है। जैसे हम हरियाली तीज पर ठाकुर जी को झूला झलाते हैं, वैसे ही खुद भी सभी को झूला झूलना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।